सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं वर्किंग कैपिटल के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, फिर वर्किंग कैपिटल की हमने कैलकुलेशन समझी थी एक वीडियो में, फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देखी थी एक वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से किस बिजनेस को फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, और अगर आप वर्किंग कैपिटल को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी बातें हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और क्यों वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, या इवन अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझेंगे और इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का अगर कोई कंपनी एफिशिएंट यूज करती है या मैनेजमेंट करती है वर्किंग कैपिटल का, तो किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सकती है और ज्यादा बिजनेस कर सकती है। एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल के, जो हमने फॉर्मूले देखे थे और उसकी कैलकुलेशन समझी थी। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली ऑपरेशन लिक्विडिटी जो होती है बिजनेस की वो बताती है। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट्स आपके वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एक साल के अंदर अंदर। तो करंट एसेट्स के अंदर किस तरीके के एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, एक होता है आपका कैश। अब ये कैश किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आपका कैश इन हैंड हो सकता है, आपके बैंक में अगर किसी तरीके के डिपॉजिट्स हैं वो हो सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, जिनको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं और इन्वेंट्री होती है। अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली अगर आपका मान लीजिए कोई रिटेलर है, होलसेलर है, जिसको आप उधारी पे पैसा दे देते हैं, उधारी पे माल दे देते हैं मान लीजिए, और उसकी पेमेंट आपको बाद में आती है, तो उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और आपकी इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक होता है। अब ये आपकी रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। और करंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो बेसिकली आपके अकाउंट्स पेएबल होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके बैंक लोन्स हो सकते हैं, कैश क्रेडिट लोन हो जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपने यूज करी है, या आपके कुछ ओवरड्यूज हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि सैलरीज हो गई, रेंट हो गई, तो वो भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, राइट। तो ये सारी आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपका जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो बेसिकली आपको डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए पैसा चाहिए, राइट। इसी तरीके का एक और मेट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो होता है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशो। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ये जो रेशो है, अब देखिए इसका मतलब समझते हैं एक बार। मान लीजिए अगर आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, मतलब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है न्यूमरेटर से, तो आपकी करंट रेशियो लेस देन 1 हो जाएगी, राइट। तो मतलब आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा हैं, इसका मतलब कि आपकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि जो कि आपका कैश या करंट एसेट्स उसको मीट भी नहीं कर सकता है। तो कंपनी कैनॉट मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसका ये मतलब है। इट मे हैव टू रेज एडिशनल फाइनेंसिंग। अब अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, तो हो सकता है आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जरूरत पड़े, कहीं से लोन लेना पड़े। इसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा यह है कि आपकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं, तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी हो जाता है। मतलब अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई किसी कंपनी के अंदर तो वो बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप अगर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो किसी कंपनी की लिक्विडिटी जरूर चेक कीजिए कि उसकी करंट लायबिलिटीज तो बहुत ज्यादा नहीं है कहीं। और अगर आप अपने बिजनेस में भी अपना काम करते हैं कोई भी, तो करंट लायबिलिटीज आपकी करंट एसेट से कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बिजनेस बंद करने के अंदर सबसे बड़ा रीजन करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो जाना होता है। अब हम देखते हैं अगर आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हैं तो क्या ये बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है, ये समझने की कोशिश करते हैं।
अगर आपका करंट रेशियो मोर देन वन है तो डेफिनेटली आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आराम से मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास या तो रिसीवेबल्स ज्यादा हैं, या आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा है, या आपके पास कैश ज्यादा है। जिसको भी आप, चाहे आपकी इन्वेंट्री हो चाहे आपके अकाउंट रिसीवेबल हो, उनको कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं कैश में और आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पूरी कर सकते हैं। करंट रेशो अगर आपका 1.2 से लेकर 2 के बीच में होता है तो ये एक हेल्दी रेशो माना जाता है। आप अपनी वर्किंग कैपिटल काफी एफिशिएंटली मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका करंट रेशो 3 से ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपके पास करंट एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? जी नहीं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली आप कंफर्टेबल पोजिशन में तो हैं, आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने करंट एसेट्स को, इसका मतलब है, अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके जो फंड्स हैं वो या तो आइडल पड़े हैं कैश की फॉर्म में या इन्वेंट्री की फॉर्म में, या फिर आपके लॉकअप हो गए हैं इन्वेंट्रीज या अकाउंट रिसीवेबल्स की फॉर्म में। तो इसलिए 3 से ज्यादा करंट रेशो भी कोई बहुत हेल्दी रेशो नहीं है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। हम दो कंपनीज कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है जो अपने स्पोर्ट्स के स्टोर्स मेंटेन करती है। मान लीजिए ये इसका एक स्पोर्ट्स का स्टोर है। अब मैं ये वाला एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं अपने पिछले वीडियोज में, तो हम सेम ही एग्जांपल को कंटिन्यू करके चलेंगे। तो मान लीजिए ये एक स्पोर्ट्स का स्टोर है और ये एक क्रिकेट एकेडमी है जो कुछ क्रिकेट की किट्स ऑर्डर करती है। लेट से 10 क्रिकेट की किट ऑर्डर करती है। एक क्रिकेट किट की का जो प्राइस है, जितने में ये स्पोर्ट्स का स्टोर इसको बेचता है, उसका प्राइस है लेट से 15,000 रुपए एक क्रिकेट किट का। तो इसका जो टोटल प्राइस हो जाता है 10 किट्स का, वो 1.5 लाख रुपए हो जाता है। और ये जो कॉस्ट है इस स्टोर के लिए, वो इनको 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मतलब 10 किट पड़ती हैं, राइट? तो अब क्रिकेट अकेडमी को ये लोग किट्स तो सप्लाई कर देते हैं, इनके मान लीजिए पुराने रिलेशंस बने हुए हैं। अब क्रिकेट अकेडमी कहती है कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली तो नहीं है, क्या आप हमको 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं? तो अब ये स्पोर्ट्स का जो स्टोर है या एबीसी कंपनी सोचती है कि डेफिनेटली अब हमें पेमेंट टर्म्स तो इनके लिए थोड़ी सी अच्छी बनानी पड़ेंगी, हमारा लॉन्ग टाइम कस्टमर है, तो वो अग्री कर जाते हैं 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देने के लिए। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। मान लीजिए कैश की पोजिशन इस स्टोर की 50,000 रुपए है और ये इन्वेंट्री लेट से 2 लाख रुपए की मेंटेन करते हैं, और 2 लाख में से लेट से 1 लाख रुपए का इन्होंने ये सामान बेच दिया। अब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए कि यहां पे आप 1 लाख ही माइनस करेंगे, आप 1.5 लाख नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो आपका प्राइस है। आपको जो कॉस्ट पड़ी है इन्वेंट्री की वो 1 लाख रुपए ही है, तो आप यहां पे 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। तो आपकी इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू हो गई करंट जब आपने ये किट सप्लाई कर दी, क्योंकि ये तो आपने आज की डेट में ही सप्लाई कर दी, राइट? तो ये आपकी बैलेंस जो वैल्यू बची वो 1 लाख रुपए बची। अब इस केस के अंदर आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये जो पैसा है, आपने किट्स तो सप्लाई कर दी लेकिन ये जो पैसा है ये 60 दिन के बाद मिलेगा, तो आप यहां पे 1,50,000 रुपए लिख देंगे, राइट? तो आपका कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए। अब देखिए करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इनको ऐड कर देंगे, 50,000, 1 लाख की इन्वेंट्री हो गई और 1.5 लाख का आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, तो ये आपके हो गए करंट एसेट्स। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये आपका हो गया 3 लाख रुपए। अब हम करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए इस कंपनी ने, इस पर्टिकुलर स्टोर ने कैश क्रेडिट लिया हुआ है, एक छोटा सा लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए की इनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है और अकाउंट्स पेएबल 0 है। इसका मतलब जिस भी क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्री से ये लोग सप्लाई लेते हैं क्रिकेट किट्स की, वहां से ये जैसे ही किट्स मिलती हैं हाथ के हाथ ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं, तो इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, अकाउंट्स पेएबल 0 है एकदम। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 1 लाख प्लस 0, तो ये हो गई आपकी 1 लाख रुपए। चलिए अब हम नेटवर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आप बेसिकली करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 3 लाख में से 1 लाख गए, आपके 2 लाख की नेटवर्किंग कैपिटल आ गई, राइट? करंट रेशो भी देख लेते हैं, आप 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी 3 आ गई करंट रेशो। अब हमने पहले भी बात की थी कि करंट रेशो अगर आपकी 3 हो जाती है तो ये कोई बहुत हेल्दी नहीं है रेशो, दैट मीन्स आपका पैसा कहीं ना कहीं लॉक हो गया है। अब देखिए कहाँ लॉक हो गया है, आपका पैसा यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल में 1.5 लाख रुपया लॉक हो गया है, राइट? चलिए अब हम देखते हैं XYZ कंपनी है, वो भी सेम ही काम करती है, सिमिलर टाइप का के उनके भी स्पोर्ट्स के स्टोर्स हैं, तो उनके पास भी लेट से सिमिलर टाइप का ही एक ऑर्डर आ जाता है, 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर आता है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है। इसमें भी क्रिकेट एकेडमी कहती है कि आप हमें किट दे दीजिए लेकिन हम आपका पैसा 60 दिन के बाद कर देंगे।
एक्स वाई जेड कंपनी भी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस सेंस तो सबके लिए सेम है, हम आपके लिए पेमेंट टर्म्स अच्छी बना देते हैं, 60 दिन के क्रेडिट पीरियड के लिए एक्स वाई जेड कंपनी भी तैयार हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बनेगी। कैश पोजीशन यहाँ पे भी लेट से 50,000 रुपये है, इन्वेंट्री में सेम 2 लाख में से आप 1 लाख माइनस कर देंगे, ये बेसिकली जो कॉस्ट है फिनिश गुड्स की। हाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाली फिनिश गुड्स की बात हो रही है क्योंकि ये रिटेल स्टोर है, राइट। यहाँ पे ना वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है ना रॉ मटेरियल की बात हो रही है, क्योंकि ये रिटेल स्टोर में आप खाली फिनिश गुड्स ही स्टोर करते हैं, ठीक है जी। तो आपने 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो आपका जो इन्वेंट्री आया करंट वो 1 लाख रुपये आ गया। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल आपका फिर दोबारा से 1.5 लाख रुपये आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि हम ठीक है 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके करंट एसेट्स यहाँ पे भी 3 लाख के हो गए। अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। देखिए कैश क्रेडिट यहाँ पे आपने चलिए 1 लाख रुपये का यहाँ पे भी मान लिया। अब बात करते हैं हम अकाउंट्स पेएबल की। अब ये जो कंपनी है एक्स वाई जेड, ये थोड़ी सी स्मार्ट कंपनी है। ये क्या करते हैं कि ये क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्री के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमें किट्स आज दे दीजिए लेकिन हम भी आपसे 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स भी हमसे मांगते हैं और हमें इन्वेंट्री स्टोर करनी है, आप भी हमें 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दीजिए। तो अब इस क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्री के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो अच्छी पेमेंट टर्म्स बनाए, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स का स्टोर है या एक्स वाई जेड कंपनी है ये भी इनकी लॉन्ग टर्म कस्टमर है। तो क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्री भी 60 दिन के क्रेडिट पीरियड के लिए तैयार हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो अकाउंट्स पेएबल हैं ये आपके आ जाते हैं 1 लाख, राइट। आपने लेट से 1 लाख की ही इन्वेंट्री यहाँ पे क्रेडिट पे ली तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स पेएबल आ गए 1 लाख रुपये। तो अब आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई बेसिकली कैश क्रेडिट का ये 1 लाख और अकाउंट्स पेएबल 1 लाख, तो टोटल मिला के आपके 2 लाख हो गए। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल। अब आप 3 लाख में से ये जो करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज अब आपकी 2 लाख हो चुकी हैं, तो आप 2 लाख माइनस करेंगे आपके 3 लाख आ जाएंगे, राइट। तो ये जो आपकी नेटवर्किंग कैपिटल है, यहाँ पे ये मैंने गलती से 3 लिख दिया है, ये आपकी नेटवर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपये आ गई। अब करंट रेशो की अगर हम बात करें तो आप 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड कर देंगे और आपकी जो करंट रेशो है ये 1.5 आ गई। अब एक ये हेल्दी रेशो है, अभी हमने बात करी थी कि 1.2 से लेकर 2 तक एक हेल्दी रेशो होती है। अब देखते हैं ये एक्स वाई जेड कंपनी और क्या स्मार्टनेस कर सकती है, इसके अलावा किस तरीके की चीज़ हो सकती है जिससे ये अपना अनलॉक कर सकें कुछ पैसा। तो अब एक्स वाई जेड कंपनी क्या करती है कि कैश पोजीशन उसकी इतनी है, इन्वेंट्री भी इतनी है, लेकिन ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल इनके 1.5 लाख रुपए के आ रहे थे यहाँ पे, ये लोग कहते हैं कि हमें ये 1.5 लाख रुपए हम किस तरीके से 60 दिन की जगह हमें आज ही पैसा मिल जाए जिससे कि हम उस पैसे से कुछ और इन्वेंट्री खरीद सकें और कुछ और बिजनेस कर सकें। तो ये जाते हैं एक बैंक के पास। अब बैंक क्या कहता है कि आपको ये जो 60 दिन के बाद पैसा मिलने वाला है इसको मैं आपको आज ही दे देता हूँ। तो ये पैसा जो है, कहता है बैंक, आप मेरे से आज ले लीजिए और मैं ये जो 60 दिन के बाद पैसा मिलने वाला है ये मैं क्रिकेट अकेडमी से ले लूँगा। तो ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं ये बेसिकली एक तरीके से इस बैंक ने खरीद लिए और क्रिकेट अकेडमी जो है ये अब बैंक को पैसा देगी और बैंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी को आज ही पैसा दे देता है। स्पोर्ट्स की ये जो स्टोर है इसको आज ही पैसा दे देता है और ये जो स्पोर्ट्स का स्टोर है ये अपने अकाउंट्स रिसीवेबल बैंक को बेच देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बैंक कैसे पैसा कमाता है, वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है 60 दिन के लिए। इसको हम बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। बिल डिस्काउंटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वाला ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, ये जो 1.5 लाख रुपए हैं यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल के, अब बैंक कहेगा कि अब मैं आपको थोड़ा सा कम पैसा दूंगा क्योंकि मैं अपना 2 महीने का इंटरेस्ट काट के आपको पैसा दूंगा। तो अब बिल डिस्काउंटिंग के हिसाब से लेट से 2 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, लेट से 12% पर एनम के हिसाब से ये आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 1.5 लाख के ऊपर, आप बेसिकली लेट से 2 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 2 / 12 कर देंगे इंटू आपका 12% हो गया 0.12, तो आपका इंटू आप 1.5 लाख कर देंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये बेसिकली ₹3,000 निकल के आ जाएगा 2 महीने का। तो अब ये जो बैंक है ये आपको पैसा 1.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस आपको ये 3,000 रुपये देगा, तो ये आपको बेसिकली अपफ्रंट जो पैसा है 1,47,000 रुपये दे देगा। तो अब 1,47,000 ये जो स्पोर्ट्स का स्टोर है ये कहता है मेरे को अगर आज पैसे मिल जाते हैं तो मैं इस पैसे से और इन्वेंट्री खरीद सकता हूँ और मैं और ज़्यादा बिजनेस कर सकता हूँ। तो इसको कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कहते हैं ठीक है हमें आज ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं हमारे ज़ीरो हो गए
और ये जो कैश है इनके पास 1,47,000 इमीजिएटली आ गया। तो अकाउंट्स रिसीवेबल से जो पैसा है वो कैश में तब्दील हो गया इमीजिएटली, राइट। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को भी यूज कर लिया। तो अब करंट एसेट्स आपके कितने हुए? अब करंट एसेट्स में बेसिकली आप कैश पोर्शन आपका कितना हो गया यहाँ पे 1,97,000 का हो गया। तो आप यहाँ पे 1,97,000 कर देंगे प्लस आपका जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख नहीं है सॉरी, ये 1 ही लाख रुपए है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बेसिकली 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री ऐड कर दिया आपने। फिर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं? 0। तो अब आपके करंट एसेट्स कितने हो गए? 2,97,000। और आपकी करंट लाइबिलिटीज एज इट इज हैं, आपका कैश क्रेडिट 1 लाख का था, अकाउंट्स पेबल 1 लाख के थे, और अकाउंट्स पेबल बेसिकली आपने ये वाला भी यूज कर लिया, सप्लायर का क्रेडिट भी यूज कर लिया, और साथ में आपने बैंकिंग सिस्टम भी यूज कर लिया। करंट लाइबिलिटीज आपकी 2 लाख की हैं, तो अब आपके जो नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी आप करेंगे 2,97,000 माइनस आप करंट लाइबिलिटीज कर देंगे तो ये आपकी हो गई 2 लाख। तो आपकी ये जो वैल्यू निकल के आई है 97,000 आ गई, और करंट रेशियो में बेसिकली आपका 2,97,000 डिवाइडेड बाई आप 2 लाख कर देंगे, राइट। ये बेसिकली आपकी रेशियो आ गई 1.485। अब देखिए ये भी काफी कंफर्टेबल रेशियो है, लेकिन फायदा क्या हुआ यहां पे? आपका जो है पैसा हाथ में आ गया, अब इस कैश को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्मार्टली अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एबीसी कंपनी वर्सेस एक्सवाईजेड कंपनी का। एबीसी कंपनी का हाई करंट रेशियो था 3 था, राइट। तो बहुत आसानी से ही अपनी सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज तो मीट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्होंने सप्लायर क्रेडिट यूज नहीं करा जो ये काफी आसानी से यूज कर सकते थे। ये क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्री से भी क्रेडिट पीरियड मांग सकते थे 60 दिन का, राइट। फिर ये बैंकिंग सिस्टम इन्होंने यूज नहीं करा, बैंकिंग सिस्टम अगर यूज करते तो ये काफी आसानी से अनलॉक कर सकते थे अपने पैसे को, राइट। मनी इनका जो है सारा का सारा अकाउंट रिसीवेबल के अंदर लॉक हो गया करीब 1.5 लाख रुपए का। वहीं पे एक्स वाई जेड कंपनी की जो हेल्दी करंट रेशो थी 1.5 थी पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 1.485 थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। फिर इन ये भी काफी कंफर्टेबल है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मीट करने के लिए, क्योंकि इनके करंट एसेट्स भी रीजनेबली अच्छे हैं, 1.2 से तो ज्यादा ही रेशो है, राइट। फिर इन्होंने सप्लायर क्रेडिट को काफी अच्छी तरीके से यूज करा, तो ये भी एक तरीके की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो जाती है। फिर इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरह यूज करा, इन्होंने बेसिकली अकाउंट्स रिसीवेबल को कैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो इनके पास कैश इन हैंड ज्यादा आ गया, तो ये बेसिकली अपनी इन्वेंट्री और खरीद सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, और बेसिकली ये ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ये चाहें, अगर इनके पास एक्स्ट्रा कैश आता है तो ये नई मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह मैनेज करती है तो वो अपने बिजनेस को काफी एफिशिएंटली रन कर सकती है और ज्यादा बिजनेस कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करेंगे, जिसके अंदर ये सप्लायर क्रेडिट भी आ जाता है, बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मेरा जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।